रिवेलियन एंड राज, इसका जो टॉपिक चल रहा है पैटर्न्स ऑफ द रिवेलियन, उसमें अब हम बात करेंगे र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। यानी कि इस टॉपिक में हमको ये देखना है कि व्हाट रोल प्लेड बाय द र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज ड्यूरिंग द 1857 म्यूटनी रिवोल्ट आर मूवमेंट। Rumors and prophecies played a part in moving people to action. यानी कि rumors ने 1857 के movement में लोगों को part करने के लिए, लोगों को भाग लेने के लिए excite किया, motivate किया। What is the rumors? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि rumor क्या है। Rumor is a tell or a information जो कि अनसर्टिफाइड होती है, यानी कि वो सही है या गलत है, अनसर्टिफाइड होती है, उसके सही गलत के बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम उसको या तो बहुत ही गुस्से में लेकर के सुनते हैं या तो बहुत हम खुश लेकर के सुनते हैं, और ऐसा होने के कारण हम इस बात को दूसरे को बताते हैं और दूसरा भी उसी प्रकार से उसको तीसरे को बताता है। यानी कि जो र्यूमर्स होती हैं वह एक बहुत फास्ट मूविंग इन्फॉर्मेशन है, और अगर इन्फॉर्मेशन से लोग एंग्री होते हैं तो पूरी सोसाइटी बहुत जल्दी एंग्री हो जाती है उस र्यूमर्स को लेकर के। अंग्रेजों के समय में भी वही हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, डिस्ट्रस्ट था, लोग मानते थे कि दे आर फ्लैटिंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और लोगों में भय था कि ये उनको खत्म करना चाहते थे। तो जब भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती थी जिसमें भारतीयों को नुकसान होने वाली बात कही जाती थी, उससे भारतीय बहुत जल्दी एंग्री होते थे। यानी कि जो र्यूमर्स होती थी उससे सोसाइटी बहुत जल्दी अंग्रेजों के खिलाफ एंग्री हो जाती थी, और इसी एंगर ने जो 57 का म्यूटिनी थी, कुछ सिपाहियों की म्यूटिनी थी जो मेरठ में शुरू हुई थी, तुरंत ही इसने एक रिवोल्ट, यानी कि जिसमें पूरी सोसाइटी पार्ट लेती है, एक रिवोल्ट की एक इसको एक रिवोल्ट बना दिया। एज बिसा, अब हम यहां पर देखते हैं कुछ एग्जांपल, किस तरीके से ये एग्जांपल जिसमें र्यूमर्स कुछ र्यूमर्स आई और किस तरीके से इस र्यूमर्स ने जो है सोसाइटी में सबको एक बड़ी आग की तरह पूरी सोसाइटी में ले लिया और लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। सिपाही हु हैड अराइव्ड इन दिल्ली फ्रॉम मेरठ एंड टोल्ड बहादुर शाह अबाउट बुलेट कोटेड विद द फाइट ऑफ काउ एंड पिक्स। तो हम पहले स्टोरी समझ चुके हैं कि किस तरीके के जो मेरठ के जो सिपाही थे वहां से अपने अंग्रेजों के खिलाफ म्यूटनी करने के बाद वो दिल्ली आए और उन्होंने जफर को बताया, द एम्परर ऑफ द दिल्ली, कि किस तरीके से उनके रिलीजन को करप्ट करने वाली बुलेट उनको दी गई है जो कि सुअर और पिग और काउ के जिसमें चर्बी लगी है और जिनको दांत से खींचना है। द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सप्लेन टू द सिपाही, हालांकि ये खबर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गलत थी और ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, ट्राई टू एक्सप्लेन टू द सिपाही दैट दिस वाज नॉट द केस, कि यह बात गलत है, झूठ है, बट द र्यूमर दैट द न्यू कार्टिज वेयर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यह एक आग की तरह से, जंगल की आग की तरह से यह बात फैल गई कि नहीं, जो बुलेट दी गई है उनको जिसे दांत से उनको खींचना है उसमें जो है पिग और काऊ की चर्बी यूज हुई है। दिस इज वन र्यूमर दोज हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड। हम देखते हैं कि र्यूमर कैसे फैली, तो सब एक ये जो र्यूमर है, कम से कम एक इस र्यूमर के बारे में हम उसके ओरिजिन को देखेंगे कि किस तरीके से कैसे एक र्यूमर बनती है, कैसे एक र्यूमर फैलती है, और 57 में कैसे कोई र्यूमर सामने आई और कैसे उसने पूरे जो है एक रिवोल्ट पैदा कर दिया। उसमें हम एक इसी र्यूमर की बात करते हैं जो कि पिग एंड काउ की चर्बी वाली बात है। दिस इज वन र्यूमर हुज ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड,
जिसके बारे में, यही एक ऐसी र्यूमर थी जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि कहाँ से इसकी ओरिजिन है। कैप्टन राइट, कमांडेंट ऑफ द राइफल इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, रिपोर्टेड दैट इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 57 ए खलासी हु वर्कड इन द मैगजीन ऑफ दमदम, एक खलासी कास्ट का कोई व्यक्ति है, राइट लिखते हैं कि खलासी कास्ट का कोई व्यक्ति जो कि दमदम मैगजीन में काम करता था, जो शस्त्रागार होता है, आर्म का जो भंडार होता है, जो वहां पर काम करता था, हैड आस्क्ड द ब्राह्मण सिपाही फॉर ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज लोटा, उसने लोटा मांगा कि पानी पिला दीजिए। द सिपाही हैड रिफ्यूज सेइंग दैट द लोअर कास्ट टच वुड डिफाइल द लोटा, एक सिपाही जिसको कि लोग ब्राह्मण कहते हैं, उसने मना कर दिया कि आप लोटा छूओगे तो लोटा हमारा खराब हो जाएगा। द खलासी हैज रिपोर्टेडली रिटोर्टेड, उसने तुरंत एक जवाब दिया, जो खलासी कास्ट का था उसने एक एंगर में उसने एक जवाब दिया, यू विल सून लूज योर कास्ट एज यू एज इर लॉन्ग यू विल हैव टू बाइट कार्टिज कवर्ड विद द फैट ऑफ काऊ एंड पिग्स। उस खलासी ने कहा कि जल्दी ही आप, जिस पर आपको बड़ा घमंड है, जल्दी ही आप अपने ये जो कास्ट है उसको आपकी कास्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि जल्दी ही आपको जिस चीज़ को आप बहुत बुरा मानते हैं, आपको एक कार्टेज मिलेगी जिसे आपसे खींचना होगा, जिसमें कि काऊ और पिक की फैट लगा होगा। वी डू नॉट नो द वेरिसिटी ऑफ द रिपोर्ट बट वंस दिस र्यूमर स्टार्टेड नो अमाउंट ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम ब्रिटिश ऑफिसर्स कुड स्टॉप इट्स सर्कुलेशन एंड फियर इट स्प्रेड अमंग द सिपाही। जो मूल चीज है, यह खबर सही थी कि गलत है, ये रिपोर्ट सही है कि गलत है, इससे ज्यादा मायने ये है कि यह बात कि उस सिपाही ने कहा कि जल्दी ही तुम अपने कास्ट खो दोगे, क्योंकि जल्दी ही अंग्रेज जो है तुम्हें एक ऐसी बुलेट देंगे जो कि तुम्हारे रिलीजन को नष्ट कर देगी, यह बात आग की तरफ फैल गई। पूरे सिपाहियों को यह भय आ गया उनके मन में कि ये अंग्रेज जो है उनके रिलीजन को खत्म कर देंगे, और यह जो भय है या यह जो जिसने इस भय ने गुस्सा पैदा किया, इसी भय और गुस्से ने एक छोटी सी म्यूटिनी को, जो कि मेरठ में हुई, इस छोटी सी म्यूटिनी ने एक बड़ी रिवोल्ट को जन्म दिया। दिस वॉज नॉट द ओनली रूमर दैट वॉज सर्कुलेटिंग इन नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 57। अकेली रूमर नहीं थी, बहुत सारे रोज रूमर बनती हैं, जैसे आज के समय में भी बनती है, और इसीलिए कभी हमने देखा कि इसी रूमर्स को रोकने के लिए जब भी कोई ऐसी बुरी घटनाएं होती हैं तो रूमर्स को रोकने के लिए इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं। उस समय भी रूमर थे, और उसी तरीके से तमाम र्यूमर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्से वाले चारों दिशाओं में फैल रहे थे। देयर वॉज द र्यूमर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड हैज्ड ए जाइगनेटिक कॉन्स्पिरेसी टू डिस्ट्रॉय द कास्ट एंड रिलीजन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, यानी कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी अंग्रेज सरकार कर रही है कि जो कि हिंदू और मुसलमानों के जो उनकी रिलीजन है, उनको कास्ट है, वो खत्म कर दोगी। टू दिस एंड द र्यूमर सेड द ब्रिटिश हैड मिक्सड द बोन डस्ट ऑफ काऊ एंड पिक्स इन टू द फ्लोर दैट वॉज सोल्ड इन द मार्केट, यानी कि जो आटा बाजार में मिल रहा है उसमें काऊ और पिक के हड्डियों के चूरे मिले हो गए। देयर वॉज फियर दैट सस्पिशियन दैट द ब्रिटिश वॉन्टेड टू कन्वर्ट इंडियन टू क्रिश्चियनिटी, और लोगों को लगता था कि इस तरीके से जो क्रिश्चियन हैं, यानी कि जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको जल्दी ही हिंदू मुसलमान से बदल करके क्रिश्चियन बना देगी। पैनिक स्प्रेड फास्ट, चूंकि अफवाह तेज फैलती है इसलिए भय और डर बहुत तेजी से सोसाइटी में फैल रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर ट्राइड टू एलाय देयर फियर्स बट इन वेन, वो जितने ब्रिटिश अफसर चाहते थे कि लोगों को क्लियर किया जाए कि नहीं ये बातें गलत है, लेकिन वो नाकाम हुए। दिस फियर्स स्टेड मेन टू एक्शन, दिस रिस्पॉन्स टू द कॉल फॉर एक्शन वॉज रेनफोर्स्ड बाय द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड केम टू एन एंड ऑन द सेंटेनरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। उसमें से एक अफवाह ये भी फैल गई कि एक कोई भविष्यवाणी हुई है कि जो 100 ईयर पूरा होने पर, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लासी वार के बाद ही हम अंग्रेजों के कॉलोनी बने थे,
अंग्रेजों के हम गुलाम बने थे। तो एक अफवाह एक फैल रही थी, एक रूमर फैल रहा था कि किसी ने एक भविष्यवाणी की है, प्रोफेसी की है कि 23 जून 57 को, 1857 को, यानी कि गुलाम होने के 100 साल बाद, प्लासी वार के 100 साल बाद हम फिर अंग्रेजों से मुक्त हो जाएंगे, हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। रूमर्स वेयर नॉट द ओनली थिंग सर्कुलेटिंग एट द टाइम, रिपोर्ट्स केम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया दैट चपातीज वेयर बींग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज। रूमर्स केवल टेल के रूप में या केवल स्टोरी के रूप में ही नहीं फैल रही थी, बल्कि और भी तमाम चीज़ें सोसाइटी में हो रही थी। जैसे कि एक रिपोर्ट आ रही थी कि हर गांव में चपाती बांटी जा रही है, यानी कि रोटी बांटी जा रही है, और ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, यह वास्तव में उस समय न तो किसी को पता था, न तो अंग्रेज को पता था, न तो किसी को पता था, और न ही आज तक इसके बारे में कुछ पता है कि प्रत्येक गांव में रोटी क्यों बांटी जा रही थी। ए पर्सन वुड कम एट नाइट एंड गिव ए चपाती टू द वॉचमैन ऑफ द विलेज एंड आस्क हिम टू मेक 5 मोर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू नेक्स्ट। चपाती जो है हर गांव में जा रही थी और उसमें एक इंस्ट्रक्शन होता था, कहा जाता है कि जो वॉचमैन होता है उससे कहा जाता था कि आप दूसरे गांव में 5 चपाती और इसी यह इन्फॉर्मेशन और 5 चपाती दूसरे गांव में पहुंचा दो। इसी प्रकार से हर गांव में चपातियां पहुंच रही थी, लेकिन वास्तव में उन चपातियों के पीछे कौन सी कहानी थी, क्या स्टोरी थी, क्या रूमर थी, आज तक किसी को ये पता नहीं है। द मीनिंग एंड द पर्पज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाती वॉज नॉट क्लियर एंड इज नॉट क्लियर इवन टूडे, बट देर इज नो डाउट दैट पीपुल रीड इट एज एन ओमेन ऑफ एन ईविल। यानी कि लोगों को लग रहा था, पता तो नहीं है कि पर्पज क्या था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये किसी बहुत बड़े उथल पुथल या कुल बहुत बड़ी घटना की है एक यह जो संकेत है, यह ओमेन है बहुत बड़ी घटना का होने का। थैंक यू। हम इस टॉपिक को ही खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम धीरे धीरे पूरी किताब की तरफ हम पूरी किताब को धीरे धीरे आपके सामने आपसे बात करेंगे। थैंक यू।